ताड़मन कब्रस्तान का महत्व मत बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पहली बात तो ये समझ में नहीं आ रहा है, कब्रस्तान में 9 मस्जिद लगती है, 9 मस्जिद वालों को किसी को तकलीफ नहीं हो रही, ये लतीफ़ खान को कैश उसके पर्सनल इंसेंटिव से क्या है, उनको पर्सनल उनका कुछ है क्या मामला इसके अंदर, इन्हों बार बार आके कंप्लेन कहीं को दे रहे हैं भाई। अब शबे बारात आ रही, अगर ऐसी कंप्लेन ना करे ऐसी हुआ तो हम साफ़ सफाई का काम रोक देते, पब्लिक जाकर से सवाल करो कहीं को ना तो उसको क्या तकलीफ हो रही, पर्सनल क्या है साफ़ सफाई करना नहीं करना, मेरे को एक ही सवाल है उनको पर्सनल कहीं को भाई तइशू उन्हें कौन है ने क्या है उसका पौधा उन्हें हट गया खत्म छोड़ देना। अब सदर साहब कहीं से बोले कई कमेटियां छोड़े कोई आके कोई तकलीफ दे, यासीन भाई आके पूछ रहे उन्हें अकेला कहीं को भाई वो कुछ भी बोले तो मैं अकेला मर दूं बरा उन्हें तो क्या सब क्या है बोलना नहीं चाहिए गलत बात होती उसे सवाल करो नहीं तो हम इस बार शबे बरात में काम नहीं करा दे। खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ताड़बन खबरस्तान का प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ मोहम्मद आबिद। मेरे को 2022 में प्रेसिडेंट बनाया गया था। 2022 में कोरोना आने की वजह से झाड़ा वगैरह गिर के खबरें पूरे फुटके थे, तो मैं जब साफ सफाई कराया था तो जब भी पुराने कमेटी का एक लतीफ़ खान बोल के था, उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जब भी कंप्लेंट दिया था, जब भी वो रमज़ान के टाइम पे वो फेस करके मामला जिधर के उधर करके फिर हम कंटिन्यू काम करते गए। अढ़ाई साल के अंदर हम ये समाद खाना, वजू खाना और ये क्या बोलते हैं ज़रूरत खाना और ये रोड गुसल खाना ये पूरे बनाए, अढ़ाई साल के अंदर हम ये बनाए। अब ये बीच में परसों बारिश ज़्यादा होने के वजह से ये खंभों के वायरों के ऊपर और पोला पूरे झुक गए और ये ढागालियाँ पूरे वायरों के ऊपर गिर गए, उसकी मेरे पास फोटो आए, उसका सबूत है मेरे पास। तो वो मैं क्या करा, झाड़ा काटने वालों को बुला के ये काट सकते क्या बोलते, उन लोगों बोले ढागालियाँ काट सकते, इसमें फॉरेस्ट वाले का कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता बोलते, मैं उनको काम दे के ढगालियाँ कटाए, बस 10-12 झाड़ों के ढगालियाँ कटाया, उसके फोटो वहाँ बाजबता प्रूफ है मेरे पास। ये कंप्लेंट फिर लतीफ़ खान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जाके देके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को पकड़ के लेके आके कंप्लेंट देके ये बताया गैर हो रही है। आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आके ताड़बन कब्रिस्तान में मेरे को ये नोटिस देके गए, चालान बनाओ बोल के नोटिस देके गए। कब्रिस्तान में साफ सफाई करना कमेटी का फर्ज बनता, कमेटी के हिसाब से मैं साफ सफाई कराया, ये मेरे को आज नोटिस देके गए, इसका मेरे को चालान बनो बोल के बोले। ये 9 मस्जिदा मेरे को ये खबरिस्तान को लगते, मैं ये 9 मस्जिदा वाले से पूछ रहा हूँ ये कहाँ तक का सही है कहाँ तक का गलत है, ये आप लोग आई इसका फैसला करो। ये लतीफ़ खान बार बार आप जब भी मैं अच्छा काम करने जाता हूँ किसी ना किसी तरीके से मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम साबित ये कर खड़ा करते जा रहा। इन्हों असल रहने वाला टकारा बस्ती का और इनको आता कवाड़ीगुड़ा खबरिस्तान। 10 साल पहले इनको यहाँ पर एक मौका दिए थे ट्रेजरर का, वो बेनिफिट ले लेके उनके वालिद साहब को उनके वालदा को उनके भाई को दफना लेके यहाँ पर अपनी हुकूमत करेंगे बोला, वो नहीं चलने दिए। और कोरोना के टाइम पे हम लोग बोले पत्थर नहीं काटना, बेवजह काट रहे तुम पत्थर, बोलते पत्थर काट के 17 लाख रुपये का पत्थर काट के 17 लाख रुपये ले लिए, हम वो पूछने से जवाब नहीं देते, हम लोग उसको कमेटी से निकाल दिए, बाद हम ये अच्छे काम करे सो देख नहीं सकते। उन्होंने हमारे ऊपर बार बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट कोर्ट में कंप्लेन देते जा रहा है, ये लतीफ़ खान घर जरूरी हम पे कंप्लेंट देते जा रहा, ये आवाम फैसला करो ये लतीफ खान का क्या तुम्हें, एक मुसलमान पहली टाइम देख रहे हैं कब्रिस्तान में, मुसलमान के ऊपर मुसलमान कंप्लेंट दे रहा है कब्रिस्तान के अंदर, ये लतीफ खान है जो हमेशा मेरे को डिस्टर्ब पैदा कर रहा और ये कर रहा आके बार बार आ रहा और कुछ ना कुछ करते जा रहा, उसको देखे नहीं जा रहा कब्रिस्तान यहाँ हो रहा बोलकर आवाम के पूरे चर्चे में कब्रिस्तान पहले से बेहतर है उसको देखे नहीं जा रहा, जब भी सुनते जा रहा ये बात आगे कुछ ना कुछ कर रहा, वो ये कर दिए ये वो कर रही है और मेरे को हरासमेंट कर रहा, अभी मेरे पत्रों के पैसे आना बाकी है बोल रहा, ऑलरेडी उसके पास पैसे बाकी है हमारे पैसे उसके पास आने का है, 3 साल से उसे खबर मस्जिद का मेंटेनेंस कब्रिस्तान को नहीं दे रहा, फिर भी हम लोग वहाँ के मैयतों को यहाँ पर फसी भाई को हमारे ट्रेजरर के पास बुक रख के बिल बुक रख के हम लोग वो दफनाने की स्लिपा दे रहे, उन्होंने 3 साल से मेंटेनेंस देना भी बंद कर दिया, जबकि मेरे को वर्कबोर्ड मेरे को पॉजिटिव दे दी और उनके जिम्मेदारों को बोला भी मैं आके आप बुक जमा करके आपका महीने का मेंटेनेंस दे भाई बोल के, वो भी नहीं दे रहा और गैर जरूरी कंप्लेंट दे के काम कर रहा है। लतीफ खान का क्या करना है ये आवाम और पब्लिक डिसाइड करे जी भाई, ये मैं आप सोशल मीडिया के थ्रू से आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं ये आप ये क्या करना है, ये नोटिस का क्या करना, मैं अभी शाबान आ रही साफ सफाई करना है या रोक देना आप लोग आए डिसाइड कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ये पुलिस स्टेशन को ट्रस्ट पास करके इसके हिसाब से हम लोग कंप्लेंट देने जाएंगे पुलिस स्टेशन को, चालान नंबर ले लेके जाएंगे और PS को जाएंगे, अब हमारे वकील साहब से हम लोग मशवरा करके इसके हिसाब से हम कदम उठाएंगे इसका पूरे कमेटी वाले मिलके। ये सोशल मीडिया की तरफ से मैं आवाम तक ये बात पहुँचा रहा हूँ, आप लोग इसका फैसला कीजिए। अब बिल्कुल बिल्कुल आइए ठहरो यार बताइए, डिपार्टमेंट के आदमी को यहाँ के जो है अब जोर से ये करेंगे लेडीज से बोल के डरेंगे बोले तो नहीं सही तरीके से तो बराबर ये कर रहे हैं, हमको आपके ऊपर कुछ भी गुस्सा नहीं है, हमको गुस्सा क्या है मुबारक भाई ये देखो ये सब देखिए सब ये भी बुला के वीडियो उतारते आपका वो करे बोल के आप लोग भी डरा है वहाँ पर बुला के देखो आप लोग इसी बात कर रहे हैं, आइए सर आप
जो भी बात करे रिकॉर्डिंग है बोल के बोले, आज भी बोल रहा हूँ। आइए ना सर, आज भी बोल रहा हूँ सर, आइए ना सर, आप ठहरो यार। उनकी प्रॉपर्टी है ये सर, ये देखो उन्हें पर्सनल लेके कर रहा हूँ, तो उसकी बात करो भाई। नहीं नहीं, अपने आदमी ने रिपोर्ट, ड्यूटी ड्यूटी है भाई उनकी। आप ब्रांचेस कट करें, उसका जो है फाइन बनना है। आप हम उस दिन भी वही बात बोला, आज भी वही बात बोला। आप जो बोल से हम आपकी आप काम, आपका जो काम है आप करिए, हमारा जो काम है हम करेंगे, बस मसला नहीं है। अब इसका जो परमिशन है आने वाली, उसको अप्लाई करके ले लेंगे, ताकि आपको आगे को बारिश में तकलीफ हो रही है ना। बारिश से पहले जो है मई में आप परमिशन ले लो, जून जुलाई अगस्त आपको बारिश के प्रति आधार में हम कभी भी कर सकते हैं। वो अब मालूम हो रहा भाई हमारे को, अंदर जाना आप आइए, आप आइए, मैं आपको मैं चल रहा हूँ, आप चल रहे नहीं, आइए। मेन बता तुम्हें जो जो डबल है, आइए। एक बात बोलो मैं, थोड़ा कोऑपरेट करो उनको, भाई मुबारक भाई को कोऑपरेट करो, मैं बता रहा हूँ, खुल के चल के बता रहा हूँ। देखो मैं झूठ मैं कटकरा बोले ना, ये वायरों के ऊपर गिरा था, आप डिपार्टमेंट के पूरा सुन लीजिए, फिर हमारा कुछ गलती है तो बोलो। पूरा गिर गए थे, वायरा भी झुके, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, कंट्रोलमेंट में कंप्लेंट देखे, वायरा टाइट करा, वो भी रिकॉर्डिंग है, आपको मुलाज बताओ। आइए आप देखो, ये 15-13 झाड़ों में मैं कटिंग कराया, बाकी वेज झाड़ा तो वो आप हिसाब में भी नहीं आते। आप ये नीम के झाड़ बोल रहे ना, देखो ये डका लिया पूरे, इधर झाड़ पूरा वैसे का वैसे से, खाली थोड़े थोड़े अंका काटा मैं अंका, क्योंकि 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 जनाजा ले जाते हो। एक ही बात सुनो, सुनिए साहब, सुनिए साहब, सुनिए साहब, यहाँ पर क्या होता, ट्रैफिक जाम होती, वो ट्रैफिक जाम होने की वजह से वहाँ गड़ा बना के सीसी रोड डाल के यहाँ गाड़ी आने की वजह से मैं खड़ा, भर हर साल एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर, वो एक्सीडेंट नहीं होना बोल के यहाँ पर मैं रोड डाल के अंदर पार्किंग जगह बनाया। वो डीसीएम में जनाजा लेके आया तो लगते बोल के वो सामने के 3-4 डगालियाँ काटा, ये तो आपको सबूत दे दूं मैं, पूरे डगालियाँ पूरे वायरों पे गिरे से, वो आधड़ी खंबा भी बेंड होके उधर आप देख सकते हैं। हम ये सब वो झाड़ा है जो जो वेस्ट झाड़ा है उसको भी हाथ नहीं लगाया मैं, आप देख सकते हैं। आप देखिए सब वो झाड़ा है आपके नजर के सामने, बेकार झाड़ा भी है, मैंने नहीं हाथ लगाया, जो मेरे को डिस्टर्ब कर रहे तो जनाजा डिस्टर्ब भी कर रहे तो आप परमिशन लेके नहीं नहीं, हमको नहीं मालूम, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड से हमारे को पूछ नहीं, नहीं ये हमारे कोई पेपर में नहीं आया, हमको नहीं मालूम है साहब, हम नहीं नहीं हमको नहीं मालूम था, हमको नहीं मालूम था, खुली बात हमको नहीं मालूम था साहब, हमको नहीं मालूम था, हमको नहीं मालूम था, अभी आप क्या चेक कर लो, आप आइंदा से परमिशन, ये हमको नहीं मालूम था। देखिए हमारे मुबारक साहब, नहीं ये तो करंट वाले कट करे सो है ना साहब, ये करंट वाले कट करे सो, करंट वाले को बुला के हम कटाए सो, नहीं लोग कट करे सो, ऑफिशियल आके नहीं करते हो जी, 35 इलेक्ट्रिसिटी। देखिए आप हमारे को ये देखिए, पूरा देख लीजिए आप, और भी जगह होती है शमशान घाट में, दूसरे कब्रिस्तानों में, सब जगह हो रहा है। हाँ डकाले काटे, वो भी डिस्टर्ब कर रहे सो काटे, फ्रेमिंग है ना, फ्रेमिंग रहा नहीं बोल रहे, नहीं भाई साहब मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ, मैं कंप्लेंट दिया ना, क्या बोल के कंप्लेंट दिया, झाड़ा काटे बोल के दिया, डाका लिया काटे बोल के दिया, जब आप मेरे को पूछे खबरिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है क्या है बोल के पूछे, मेरी पॉजिटिव कॉपी देखे आप लोग, मेरे को नहीं क्यों, मैं मैडम को बताया आपके सामने, आप दूसरी बताए क्या बात कर रहे हैं, पॉजिटिव कॉपी दूसरी बताइए, आप गलत बात नहीं बोला, जब मैडम लेके आना वक्त बोर्ड दिए सो, वक्त बोर्ड दिए सो पॉजिटिव कॉपी, अभी भी डिक्की में भी है मेरे पास, शौकत बताओ पॉजिटिव कॉपी। हाँ यहाँ पर क्या हुआ जी, ये लेके जाके ऑफिसर के पास रखना जी जी, जो कुछ है यहाँ का आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम लेके जाके साफ लोगों के पास रखना, अब उन्होंने जो फाइनल करते वो ये कर ले जी, अच्छी बात, आइए हो गए देखो, फिर ऐसा कैसा पूछे, आप जब मेरे को बुला के पूछे तो आप भी बताना ना सब मेरे को बताना ना, ये कंप्लेंट है बोल के हम वो करते, हमारे हाथ में नहीं है, ऐसा कैसा, नहीं मेरे को राइट्स नहीं है क्या पूछने का आपको, ये कंप्लेंट दिए बोल के आरटीआई में पूछो, आप पूछ लो आरटीआई में एक्ट डाल के पूछना, बिल्कुल वो निकलेंगे अपने साहब, बराबर इंस्पेक्शन कर रहे साहब, को मालूम होगा आप कंप्लेनर कितने पानी में है, अपन कितने पानी में है तो मालूम होगा, ये भी कर समझ गया, साहब आंखों से देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, ये बिल्कुल उन्होंने बोले तो मेरे को समझ में आ गया, मैं नहीं समझ में आया बोल के नहीं बोला, उन्होंने ऑफिस में आके जोर जोर से बात करे तो काम बिगाड़ लिया उन्होंने, समझे वही गलती अपन ने, आपको यही बात बोला मैं परसों, किस बात का काम बिगाड़ लिया मैं, इधर आओ, आप इधर सामने आइए, मैं परसों क्या बोला,
ये ऑफिस है, एक लेडीज से बात करने का तरीका नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं भाई। मैडम क्या बोले, मैडम क्या बोले, मैं कंप्लेनर के साथ न्याय बोले, जमील भाई बोले सुनो, मैं कंप्लेनर के साथ में न्याय कौन है कि नहीं मालूम, बोलते बोले साथ में आके कंप्लेनर के साथ में न्याय बोलते, आदमी को रेस नहीं होता, क्या बात नहीं होता, झूठ झूठ होता सच सच होता। और एक बात मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए जी, जब कंप्लेनर आके बराबर बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, कैसा बता रहा हूँ, क्योंकि अब खबरस्तान में बोले तो काका ढूंढेंगे, बिना बिना परमिशन के खबरस्तान में घुस जा सकते, बिना आके बता रहा हूँ, बिना परमिशन के खबरस्तान में घुस जा सकते साहब, वो बिल्कुल आ सकते, नहीं नहीं आ सकते, मीडिया वाले पूरे सामने, उनके सामने बोल रहा हूँ, हमको कंप्लेंट आया तो बराबर आते, आ सकते आप, बिल्कुल आ सकते, नहीं यहाँ का कौन जिम्मेदार है, पूछ सकते नहीं पूछ सकते, कंप्लेंट आया तो हम आए, आपके साहब आंखों से देखे ना, आप रिपोर्ट देखो साहब, मैं साहब को बोला मैं।